तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पीडीसी इंडिया के स्टॉक के बारे में। पीडीसी इंडिया के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो है स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अपट्रेंड में देखने मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने मिली। लेकिन अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी देखने मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 5.28% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही आज की तेजी से हमको यहाँ पर स्टॉक में ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने मिल रहा है। ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पर 142 के लेवल पर यहाँ पर स्टॉक में एक रेजिस्टेंस था जिसको आज स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 146 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 151, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 158, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 165, उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 175 एंड देन यहाँ से अभी हमको यहाँ पर स्टॉक है 180 और 200 तक के लेवल्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट है पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 142 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 136 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 131 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट है पर सपोर्ट। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।